कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ है। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज़ उठाता है, कि इस वक्त अगर आप देखेंगे खासकर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस खानदान ने, जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है टू यू नो उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। और इसी तरह से तमाम, चाहे जितने भी आपके अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह अपोजिशन लीडर्स को ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको तंग किया जाता है, और उनके बाद उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है, जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ईडी के छापे बंद हो जाते हैं। तो ये विच हंट नहीं है तो और क्या है? देखिए, जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज़ को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोज़र चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई, इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जुडिशरी है वो खामोश तमाशाई बन के देख रही है। इनका काम तो था इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन बात करती है तो उनके पीछे ईडी जाता है, उनको जेल में भरते हैं, मगर जुडिशरी जिसको बात करनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मीडिया तो सारा गोदी मीडिया इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो तो वही चलाते हैं जो इनको चलाने के लिए कहते हैं। सिक्योरिटी का मैं समझती हूँ कि जब किसी को थ्रेट मिलता है, पहले तो थ्रेट करना नहीं चाहिए, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मैं नहीं समझती हूँ कोई ऐसी बात है, मगर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर आप कोई यहाँ मामूली सी बात करता है, ट्विटर पर ट्वीट करता है, मैंने देखा कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, कोई सच बोलता है, तो उसको जेल में डालते हैं, उसको UAPA लगाते हैं। तो वहाँ नूपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और ख़तरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा। और साथ में मुझे लगता है कि जो नूपुर शर्मा ने बात की, उसने ऐसे वैसे बात नहीं की, वो बात जानबूझ के की गई ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके हलाकतों की बात चल रही थी, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पर गोलियां मारने का, और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है। ये नूपुर शर्मा की बात कोई ऐसे वैसे नहीं कही उसने, ये बड़ी स्ट्रेटजिकली ये बात की गई है। कोई और पॉलिसी नहीं है, डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट दिस पॉलिसी इज़ नॉट वर्किंग। आपने देखा कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी, मगर वो दे फील देयर इज़ डिग्निटी इन डेथ।
rather than living an in you know life with indignity. ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं या अपोजिशन लीडर हैं वो खामोश है, वो बात नहीं कर रहे हैं, मगर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है. जैसे अभी आप ईडी की बात कीजिए, आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात एजेंसीज की बात कीजिए, मगर जुडिशरी खामोश क्यों है? मुझे जुडिशरी पे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट. अगर जो हमारी जुडिशरी भी अनदेखी करेगी इसी तरह, तो ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है और बहुत ख़तरनाक माहौल बनता जा रहा है. क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप इस तरह दुत्कार नहीं सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते. मतलब कि मुझे लगता है कि मुल्क जो है बहुत ही खतरे की तरफ जा रहा है, एक पीसफुल मुल्क एक खतरे की तरफ जा रहा है. पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जमहूरियत की वजह से जाना जाता था, सेकुलरिज्म की वजह से जाना जाता था, आज वही हिंदुस्तान जो है बुलडोज़र की वजह से जाना जाता है, मारपीट की वजह से जाना जाता है, खून खराबे की वजह से जाना जाता है.